Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions of plotting data using matplotlib. So let us start with the first question. Which function is used to create a box plot in matplotlib? आप matplotlib library के कौन से function का use करोगे box plot create करने के लिए? Okay, box plot आपको पता है क्या होता है, ये graph होता है जो data को distribute करता है, data set के data को distribute करता है, right? और किस form में distribute करते हैं? In the form of quartiles. देखो ये इस type का होता है, box type का कुछ figure होता है, like जो maximum and minimum limits भी show करता है, fine. तो यहाँ पे अगर आपको box plot create करना है, तो आप कौन से function का use करोगे? आप matplotlib library के box plot function का use करोगे, plt.boxplot, right? तो यहाँ पे plt आपका क्या है? matplotlib.pyplot, right? Now, what is the default type of histogram in matplotlib? matplotlib में default histogram का default type क्या? default है इसका bar. ठीक है, हिस्टोग्राम क्या शो करता है? आपका कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा शो करता है, लाइक ओके यहाँ पे जैसे अगर बार की फॉर्म में है तो बार क्या होंगे? एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, एडजेसेंट बार्स होंगे, राइट? तो ये आपका हो गया बार फॉर्म में मैटप्लॉटलिब, या फिर आपका ऐसे हो सकता है, राइट? ओके, तो दिस इज योर हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में जो आपका डिफॉल्ट आता है टाइप, वो क्या है? बार, राइट? No. What is referred to as the graphical representation of data? आपके data के graphical representation को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं data visualization. Because यहाँ पे आपका data visual है, आप उसको graphical form में देख सकते हो, right? Okay? Now. Which color is the default color of a matplotlib plot? तो यहाँ पे plot किसके लिए use किया गया है? आपका line plot के लिए, line graph के लिए use किया गया है. तो अगर आप कोई और color define नहीं करते हो तो आपके line graph का default color होता है blue. Okay? Which function is used to save a matplotlib plot as an image file? अगर आपको matplotlib का graph, right, save करना है तो आप कौन से function का use करोगे? तो यहाँ पे हम function का use करेंगे save fig function, okay? Option C. राइट, व्हाट इज पाई प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब में पाई प्लॉट क्या है? पाई प्लॉट है मॉड्यूल. मॉड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन, राइट? और पाई प्लॉट क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप ग्राफ अपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नाउ विच प्लॉट इज ऑल्सो नोन एज विस्कर्स प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब में किस प्लॉट को विस्कर्स प्लॉट भी कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बॉक्स प्लॉट. अच्छा, इसको विस्कर्स प्लॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या निकलती है? इसमें से दोनों साइड से आपकी विस्कर्स निकलती है, राइट? लाइंस निकलती है जो कि क्या शो करती है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को शो करती है. ओके, दैट्स व्हाई बॉक्स प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्कर्स प्लॉट. ओके, नाउ विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट हिस्टोग्राम्स इन मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब में हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो? आप हिस्ट फंक्शन का यूज करते हो. ओके, हिस्टोग्राम अभी मैंने आपको बताया है क्या शो करता है? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है. ओके, वाई बार एज फंक्शन इज यूज इन प्लॉटिंग? प्लॉटिंग में आप बार एज फंक्शन का यूज किस लिए करते हो? बार एज फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आपका वर्टिकल बार ग्राफ होता है, फाइन, दिस इज योर वर्टिकल बार ग्राफ. लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, फाइन, तो आप किसका यूज करोगे? आप बार एच फंक्शन का यूज करोगे, फाइन. नाउ विच पैरामीटर इज यूज टू डिफाइन द कलर ऑफ द पॉइंट्स इन अ स्कैटर्ड प्लॉट? स्कैटर्ड प्लॉट आपका कैसे होता है? इस टाइप का कुछ प्लॉट होता है जिसके अंदर अलग अलग डेटा सेट के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कलर्स के डॉट होते हैं. ओके, तो अगर आपको कलर्स डिफाइन करना है तो आप कौन से यहाँ पे किस कौन से पैरामीटर को यूज करोगे, राइट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बोथ सी, बोथ ए एंड बी. ओके, तो यहाँ पे आप कलर पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, जैसे कलर इक्वल्स टू रेड. ओके, और यहाँ पे और या आप सी भी लिख सकते हो, सी इक्वल्स टू रेड, राइट? नाउ विच फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट? स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो? तो आपका ऑप्शन है करेक्ट स्कैटर फंक्शन, राइट? ओके, स्कैटर फंक्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू प्लॉट वन डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ईच वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर डॉट ये ड्रॉ करता है.
राइट, विच फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ मल्टीपल फिगर्स इन वन प्लॉट. अगर आपको एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं, राइट, मल्टीपल प्लॉट्स मीन्स एक ही फिगर के अंदर, नॉट ग्राफ, एक ही फिगर के अंदर आपको मल्टीपल ग्राफ्स बनाने हैं, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? तो यहाँ पे हम करेंगे सब प्लॉट फंक्शन का यूज. राइट, ओके. नाउ विच फंक्शन इज यूज टू एड ग्रिड लाइन्स टू द प्लॉट. अगर आपको अपने ग्राफ के अंदर ग्रिड लाइन्स को भी ऐड करना है, ग्रिड लाइन्स को भी ऐड करना है, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रिड फंक्शन. ओके, वॉट इज द शॉर्टर कीवर्ड फॉर द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लाइन स्टाइल टू चेंज द स्टाइल ऑफ द प्लॉटेड लाइन्स. लाइन के स्टाइल को चेंज करने के लिए आप कौन से पैरामीटर का यूज़ करते हो, कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हो? वैसे हम लाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हो, फाइन. तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम ls भी यूज़ कर सकते हैं. ls इक्वल टू यू विल डिफाइन द लाइन स्टाइल, जैसा आपको लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए या कुछ और चाहिए, फाइन. Which function is used to draw points in a diagram? किस function की help से आप points means markers को draw कर सकते हो? तो जो आपका line plot होता है, fine, okay. यहाँ पे क्या पूछा गया? Which function is used to draw points markers in a diagram? तो जो आपका plot function होता है, किसके लिए use होता है? आपका line graph के लिए use होता है. और line graph कैसे create होता है? ये markers को join करके create होता है, okay? छोटे-छोटे ये dots होते हैं, marker points होते हैं, जिनको join करके आपका line graph बनता है. और line graph को आप plot भी बोलते हो, और इसके लिए हम plot function का use करते हैं, okay? Now, which is the correct import statement to import pie plot? Pie plot को import करने के लिए आप कौन से statement का use करोगे? तो यहाँ पे हमारे पास statement है import matplotlib.pieplot as plt. देखो, plt के अलावा भी आप कोई भी alias name ले सकते हो, right? लेकिन हम mostly इसको as a plt ले लेते हैं. ये नहीं है कि ये permanent name है, आप इसके place पे कुछ और भी ले सकते हो. आप pl भी ले सकते हो, आप pt भी ले सकते हो, okay? Whatever you want, right? What is the purpose of xlim and ylim functions in matplotlib? Matplotlib में xlim function और ylim function का क्या purpose होता है, क्या use होता है? तो इसका answer क्या है? C, to set the x and y limits of a plot. तो यहाँ पे देखो, जब आपका graph आप draw करते हो, तो आपका x axis में आपकी जो values है, कौन सी value से लेकर कौन सी value तक होगी, और y axis में आपकी कौन सी value से लेकर कौन सी value तक होगी, ये आप xlim and ylim function की help से define कर सकते हो. ओके, नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ पाई चार्ट इन मैटप्लॉटलिब? पाई चार्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो मैटप्लॉटलिब में? आप पाई चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द पाई फंक्शन. पाई फंक्शन की हेल्प से आप पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हो, राइट. नाउ इन मैटप्लॉटलिब व्हाट डज द एक्स टिक्स फंक्शंस डू? मैटप्लॉटलिब में एक्स टिक्स फंक्शन का क्या यूज है? देखो, आप क्या आप जब ग्राफ आप बनाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है? टिक मार्क्स होते हैं, ओके. तो ये टिक्स मार्क्स आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे जो आपका एक्स टिक्स फंक्शन है, उसका क्या यूज है? टू सेट द एक्स एक्सिस टिक्स, राइट. आप अगर अपने खुद के टिक्स मार्क्स लगाना चाहते हो, तो आप एक्स टिक्स या वाई टिक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो. वाई टिक्स से आप वर्टिकली टिक मार्क्स लगा सकते हो, एंड एक्स टिक्स से आप हॉरिजॉन्टली टिक्स मार्क्स लगा सकते हो, राइट. नो, विच इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी यूज फॉर 2D ग्राफिक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2D ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, राइट, आप किसका यूज करते हो? ओके, कौन सी लाइब्रेरी, कौन सी प्लॉटिंग लाइब्रेरी का यूज करते हो? तो ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है, matplotlib.pyplot, राइट. matplotlib के pyplot मॉड्यूल की हेल्प से आप क्या क्रिएट करते हो? आप 2D ग्राफ्स को क्रिएट करते हो. ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.